गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे रक्त धातु। विल स्टडी टुगेदर अबाउट द रक्त धातु। रक्त धातु रस धातु के बाद आने वाले दूसरे नंबर का धातु है, जिसके अपनी कुछ खास विशेषताएं हम सबको जान लेते हैं। पहले सिलेबस में हमसे क्या उम्मीद है? एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन द सिलेबस फॉर BMS फर्स्ट ईयर बाई सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। एटमोलॉजी एंड डेरिवेशन, आपको रक्त धातु की उत्पत्ति निवृत्ति मालूम होनी चाहिए। साइनोनिम्स, रक्त धातु के पर्यायी नाम। लोकेशन, रक्त धातु के स्थान, रक्त धातु कहाँ होता है। प्रॉपर्टीज, रक्त धातु के गुण कौन कौन से हैं। और प्रमाण ऑफ द रक्त धातु, उसके बाद में पंचभौतिकत्व ऑफ द रक्त धातु। रक्त धातु में पंचभौतिकता कैसी होती है। फिजियोलॉजी ऑफ रक्तवस रुतस, रक्तवस रुतस में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, रक्त धातु कैसे तैयार होता है और शरीर में रक्त धातु का पोषण कैसे होता है। रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त, रंजक पित्त द्वारा रस का रंजन होने के बाद रक्त धातु तैयार होता है। फीचर्स ऑफ शुक्र धातु, शुद्ध रक्त धातु, शुद्ध रक्त धातु कैसा होता है। स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त, रक्त धातु की क्रिया कौन कौन सी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रक्तसार पुरुषा, रक्तसार पुरुष कैसा होता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्षय एंड वृद्धि ऑफ रक्त, रक्त धातु की क्षय और वृद्धि होने के बाद क्या होता है। और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द रक्त एंड पित्त, ये सब चीज़ें हमें देखनी हैं। इसके अलावा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको भी हमें याद रखना ज़रूरी है, जिससे हमें रक्त धातु को समझना आसान जाएगा। रक्त धातु की व्याख्या, शरीर में मुख्य रूप से जीवन कार्य करने वाले रक्त वर्ण के धातु को रक्त धातु कहते हैं। इस व्याख्या में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई है। एक तो जीवन कार्य सिर्फ रक्त धातु करता है, अन्य कोई नहीं। रक्त वर्णता सिर्फ रक्त धातु में होती है, अन्य किसी में नहीं। तो ये जीवन कार्य क्या है? शरीर में हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना, इसी को जीवन कार्य कहते हैं। ऑक्सीजन के सिवा यह सेल जिंदा नहीं रह सकते। रक्त धातु का यह कार्य आधुनिक शास्त्र के अनुसार RBC के माध्यम से होता है। तो रक्त धातु को समझने के लिए आप समझ सकते हो रक्त धातु यानी RBC और रंजक पित्त यानी हीमोग्लोबिन। एटमोलॉजी एंड डेरिवेशन, व्युत्पत्ति निरुक्ति। शरीरस्य रसपाक जन्य मांस हेतु रुधिराख्ये धातु भेदे चामरा, शरीर में रस धातु का पाक होने के बाद मांस धातु का पोषण करने के लिए जो धातु तैयार होता है उसे रुधिर यानी रक्त कहते हैं। रज रंजने तेन रंजन राग वर्ण कृत राग कृतम च धातु रक्तम रक्तम इत्यर्थी इति भवति। तो जिसको लाल रंग प्राप्त है या जिसको रंग दिया गया है उसे रक्त धातु कहते हैं। साइनोनिम्स, इसमें रक्त धातु के पर्यायी नाम क्या क्या है। तो रक्त धातु को रुधिर भी कहते हैं, शोणित भी कहते हैं, अश्रुक भी कहते हैं, लोहित भी कहते हैं, क्षतज भी कहते हैं, अस्त्र भी कहते हैं। शोणित इसलिए कहते हैं कि लाल रंग का होता है, लोहित इसलिए कहते हैं कि वो लाल रंग का होता है, उसको अश्रुक या अस्त्र इसलिए कहते हैं कि वो हृदय के द्वारा फेंका जाता है। तो अस्त्र जिस तरह से फेंका जाता है उस तरह से रक्त धातु रस धातु के साथ हृदय में से फेंका जाता है। और क्षतज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी जख्म होती है शरीर में तो रक्त धातु बाहर आता है, इसलिए उसको क्षतज कहते हैं। ये साइनोनिम्स या पर्यायी नाम रक्त धातु को दिए गए हैं। लोकेशन, रक्त धातु का स्थान कहाँ है, ये जानने के लिए हमें रक्त धातु के टाइप्स यानी प्रकार मालूम होना जरूरी है। रक्त धातु के स्थायी रक्त धातु तथा पोषक रक्त धातु, ऐसे दो प्रकार होते हैं। पोषक रक्त धातु यह रक्तवस रुतस में होता है। स्थायी रक्त धातु संपूर्ण शरीर में जीवन कार्य करने के लिए भ्रमणशील रहता है। चरक कहते हैं, चरक की चक्रपाणि टीका में कहा है, रक्तादीनां तु सर्व शरीर चराणाम अपि विशेषेण हृदय स्थान मुक्तम। रक्त जो है सर्व शरीर चराणाम,
पूरे शरीर में संचरण करने वाला होता है, उसका विशेष स्थान हृदय होता है। प्रॉपर्टी यानी गुण, रक्त धातु में गुण कौन से होते हैं? सुश्रुत कहते हैं, अनुष्ण शीतम मधुरम स्निग्धम रक्त च वर्णता शोणितम गुरु विस्तरम स्याद्वि दाह शास्य पित्तवत। रक्त धातु अनुष्ण शीत यानी वो उष्ण भी नहीं है और शीत भी नहीं है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, रक्त वर्ण का होता है और गुरु होता है, वो विस्तर होता है यानी एक विशिष्ट प्रकार के गंध रक्त में आती है, यह पित्त के जैसा जलन करता है, ये उसके गुण हैं। प्रमाण ऑफ द रक्त धातु, चरक कहते हैं अष्टौ शोणितस्य, वाग्भट कहते हैं मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शक्रंत श्रुक रसो जलम च देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्धितम। इस सूत्रों के अनुसार रक्त धातु का शरीर में प्रमाण 8 अंजलि होता है। सुश्रुत कहते हैं कि किसी भी शरीर भाव का प्रमाण हम नहीं बता सकते। पंचभौतिकत्व ऑफ रक्त धातु, पूरी दुनिया ही पंचभौतिक है, दुनिया के हर चीज में ये पांचों महाभूत होते ही होते हैं, तो वो रक्त धातु में भी होते हैं। उस वो कैसे, तो उसको सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा है 14वें अध्याय में 9वें श्लोक में, विस्तृतरा द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भूमि आदिनाम गुणायते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। रक्त में आम गणदय यानी विस्तृता पृथ्वी महाभूत के कारण, द्रवता जल महाभूत के कारण होती है, उसका जो वर्ण होता है रक्त वर्ण वो तेज महाभूत के कारण होता है, उसमें जो स्पंदन हमें नजर आते हैं वो वायु महाभूत के कारण होते हैं, और लघुतया यानी हल्कापन आकाश महाभूत के कारण होता है। इस तरह से रक्त में पांचों महाभूत होते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ द रक्त व स्रोतस, चरक कहते हैं रक्तवाहणाम स्रोतसाम यकृत प्रिहा च। सुश्रुत कहते हैं कि रक्त वहे द्वे तयोर मूलम यकृत प्रिहानो रक्तवाहिन्यश्च धमन्या। चरक के अनुसार रक्त व स्रोतस के मूल स्थान यकृत प्रिहा है, और सुश्रुत के अनुसार रक्त व स्रोतस की संख्या 2 है और उसके मूलस्थान यकृत प्रिहा और रक्तवाही धमन्या है। रक्त व स्रोतस में निम्नलिखित क्रियाएं होती है। रक्त व स्रोतस में स्थायी रक्त धातु की उत्पत्ति और पोषण हो जाता है, जो रस धातु में से पोषक रक्त धातु होता है उसकी क्रिया होने के बाद। नंबर 2, पोषक मांस धातु अलग हो जाते हैं। नंबर 3, रक्त के उपधातु सीरा और कंडरा इनकी उत्पत्ति और पोषण हो जाता है। नंबर 4, रक्तमल पित्त की उत्पत्ति और पोषण हो जाती है। नंबर 5, सूक्ष्ममल क्लेद की उत्पत्ति और पोषण हो जाता है। रक्त व स्रोतस में रक्त धात्वाग्नि भी होती है, तो अगर आपको कोई पूछे रक्त धात्वाग्नि की क्रिया क्या है, तो वही 5 प्रकार की क्रिया रक्त धात्वाग्नि के द्वारा भी की जाती है, यह हमें याद रखना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, रक्त धातु तैयार कैसा होता है और शरीर में उसका पोषण कैसे होता है। रक्त व स्रोतस में रक्त धातु का पोषण होता है, उसमें रक्त धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद होता है, तो रस धातु में जो पोषक रक्त धातु होता है उस पर रक्त धात्वाग्नि की क्रिया होती है, फिर उसमें स्थूल सारभाग से स्थायी रक्त धातु की उत्पत्ति तथा पोषण होता है, उसी के स्थूल सारभाग से रक्त धातु के उपधातु सीरा और कंडरा का भी निर्माण तथा पोषण होता है। अब जो सूक्ष्म सारभाग है उसमें पोषक मांस धातु अलग होता है, सूक्ष्म मल से शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है। अब केदारी कुंडिया न्याय के अनुसार रस धातु क्रम से रक्त धातु का पोषण करता है। क्षीर दधि न्याय के अनुसार रस धातु रक्त धातु में परिवर्तित हो जाता है, और खले कपोत न्याय के अनुसार रक्त धातु रस धातु में रहने वाले पोषक रक्त धातु से खुद का पोषण कर लेता है। इस तरह से रक्त धातु का पोषण होता है। इसको हम और आसानी से समझने की कोशिश करें। रक्त धातु की उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त व स्रोतस में। किस अग्नि की क्रिया के बाद? रक्त धातु अग्नि की क्रिया के बाद। कोई भी अग्नि की क्रिया होने के बाद सारभाग और मलभाग अलग होता है। सारभाग 2 प्रकार का होता है, स्थूल सारभाग सूक्ष्म सारभाग। मलभाग भी 2 प्रकार का होता है, स्थूल मलभाग सूक्ष्म मलभाग। स्थूल सारभाग से स्थायी रक्त धातु उपधातु सीरा उपधातु कंडरा की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म सारभाग से पोषक मांस धातु अलग होता है। स्थूल मलभाग से रक्तमल पित्त अलग होता है, और सूक्ष्म मल से क्लेद अलग हो जाता है। रक्त धातु की उत्पत्ति के बारे में चरक और सुश्रुत कहते हैं रसाद रक्तम, रक्त धातु की उत्पत्ति रस से होती है।
उसके सिवा रक्त धातु की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग श्लोक हमें मिलते हैं। तेजो रसानाम सर्वेशा मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मणा स रागेण रसो रक्तत्व मृच्यति। समस्त मनुष्य के जो रसों का तेज अग्नि होता है उसमें तथा पित्त की उष्मिया दोनों पाक होकर रस रक्तता को प्राप्त होता है। चारंगर कहते हैं रसस्थ हृदय याति समान मारुते रीति रंजिता पाचित सत्र पित्ते नायाति रक्तता। रस धातु समान वायु से प्रेरित होकर हृदय में जाता है और रस रंजक पित्त से रंजित होकर रक्त रूप को प्राप्त होता है। यह इस तरह से भी रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। अभी रस धातु का रंजन हो जाता है रंजक पित्त के माध्यम से, यह भी क्रिया रक्त धातु उत्पन्न होने के पहले होती है, जैसी रक्त धातु अग्नि की क्रिया होती है। सुश्रुत कहते हैं स खल्वाप्य रसो यकृत प्रियानो प्राप्य राग मुपैति रंजिता तेजसा त्याप शरीरस्तेन देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तमित्य विधीयते। स खल्वाप्य रसो यह जलरूस रस यकृत प्रियानो यकृत प्रिया में पहुंचकर राग मुपैति इसका मतलब रक्तवर्ण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य शरीर के विशुद्ध तेज से रस का प्रसाद भाग रक्तवर्ण का होकर रक्त कहलाता है। वाग्भट कहते हैं आमाशयाश्रम पित्तम रंजकम रसरंजनात् जो पित्त आमाशय में होता है उसे रंजक पित्त कहते हैं और वो रस का रंजन करने का काम करता है। सुश्रुत कहते हैं यत्तु यकृत प्रियानो पित्तम तस्मिन् रंजकोग्नि इति संज्ञा यकृत प्रिया में रक्त जिस पित्त के द्वारा रक्त में परिवर्तित होता है उसे रंजकोग्नि कहते हैं। ये देखा है हमने आमाशयाश्रम पित्तम रंजकम रसरंजना। फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त धातु रक्त धातु शुद्ध कैसा होता है इसका स्वरूप बताया गया है। शुद्ध धातु का स्वरूप किसी अन्य धातु के बारे में नहीं बताया गया है क्योंकि धातु धारण करते हैं वो शरीर के अंदर धारण करते हैं और नैसर्गिक रीत्या निसर्गतः वो बाहर नहीं आते हैं, इसलिए हमें धातु का स्वरूप पता नहीं चलता। इसको दो एक्सेप्शन है, एक रक्त धातु और दूसरा शुक्र धातु। रक्त धातु की एक मुख्य चिकित्सा है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण जब आप पेशेंट का करेंगे तो आपको रक्त धातु दिखाई देगा तो आप शुद्ध रक्त धातु को जान सकते हो। तो शुद्ध रक्त धातु कैसा होता है ये बताया गया है। जिस तरह से शुद्ध रक्त धातु का वर्णन किया गया है उस तरह से दुष्ट रक्त धातु का भी वर्णन किया गया है। अब रक्त धातु की दृष्टि वात पित्त कफ से भी हो सकती है, तो वात से दुष्ट रक्त कैसा होगा, पित्त से दुष्ट रक्त कैसा होगा, कफ से दुष्ट रक्त कैसा होगा, इसका वर्णन भी हमें मिलता है। फिलहाल देखते हैं कि अगर रक्त धातु शुद्ध है प्योर तो वो कैसा होना चाहिए। तपनेन्द्रिय गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम शुद्ध रक्त स्वर्ण की आभा वाला लाल कमल लाख में रंजित रुई के समान गुंजा फल के समान वर्ण वाला होता है। सुश्रुत फिर कहते हैं इंद्र गोप प्रतिकांशम असहतम विवर्णम च प्रकृतिस्थ बीजाणिया शुद्ध रक्त इंद्रगोप के कीड़े के समान किंचित गाढ़ा होता है। मधुरम लवनम किंचित शीतोष्ण सहताम पद्मेन्द्र गोप हिमा विष लोहित लोहितकम शुद्ध रक्त मधुर लवन ना शीत ना उष्ण और लाल कमल के समान होता है। अभी देखते हैं रक्त धातु के कर्म। किसी भी धातु के कर्म अगर हमें पूछे गए तो चार कर्म हमें हमेशा याद रखने चाहिए। एक होता है श्रेष्ठ कर्म, दूसरा हर धातु अपने उत्तर धातु का पोषण करता ही है, नंबर तीन उपधातु का पोषण भी वो करता है और नंबर चार धातु के मलों का पोषण करता है। तो ये चार कर्म हर धातु के यानी सातों धातु के होते हैं। इसको हमें याद रखना चाहिए। अगर किसी ने पूछे कि कोई भी धातु के कर्म तो ये चार कर्म तो हम कम से कम पक्का बता सकते हैं। रक्त धातु का श्रेष्ठ कर्म है जीवन कार्य, प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादष्ट धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमास्मृतम। जीवन जो है रक्त धातु का श्रेष्ठ कर्म है, हर सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई करना इसी को जीवन कहते हैं। अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो सेल जीवित नहीं रहेगा, जिसको एपोप्टोसिस आप कह सकते हैं, सेल
नष्ट हो जाएगा, उसकी एट्रोपी भी हो जाएगी। तो ये टालने के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूशन में रहना चाहिए। तो इसी को आयुर्वेद की दृष्टि से जीवन कार्य कहा गया है। रक्त धातु उत्तर धातु का पोषण भी करता है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसम मेदो सतो अस्ति च अस्तो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रजायते। वाग्भट कहते हैं रक्त धातु अपने उत्तर धातु मांस धातु का पोषण करता है, रक्त धातु अपने उपधातु का भी पोषण करता है। रसा संयम श्रिया रक्तम अश्रुजा कंडरा सिरा मांसा त्वसा त्वचा षटच मेदसा स्नायु संभवा। इसमें रक्त धातु की उपधातु है सिरा और कंडरा, इनका पोषण रक्त धातु करता है। रक्त धातु धातुमल के पोषण भी करता है। किट्टमन्न से विन मूत्रम रसस्य तु कफोस रुजा पित्तम मांसस्य ख मला मला स्वेदस्तु मेदसा श्यात किट्ट केश लोमास्तो वजने स्नेहोक्ष विट त्वचा। तो इसमें रक्त का जो मल होता है रक्तमल पित्त, उसका पोषण रक्त धातु करता है। इसके सिवा रक्त धातु के और भी फंक्शंस बताए गए हैं। तद विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राणा शोणितम यनुवर्तन्ते। तद विशुद्धम ही रुधिरम, जो शुद्ध रक्त होता है रुधिर यानी रक्त, वो बल वर्ण और सुख आयुष्य ये भी काम हमारे शरीर में करता है, हमारे शरीर को बल देता है। सेल को ऑक्सीजन मिलने के बाद तो उससे बल आने वाला है। वर्ण, हमारे शरीर का वर्ण जो है उसमें हीमोग्लोबिन का भी रोल होता है स्किन के ऊपर, तो वो भी रक्त धातु के माध्यम से होता है। सुखायुष्य, व्यक्ति सुखी हो जाता है। युनक्ति, जुड़ जाना। प्राणिनम प्राणा, हर प्राणी के शरीर में जो प्राण होता है वो जुड़ जाता है किससे, शोणितम, वो रक्त के साथ जुड़ जाते हैं प्राण। और यनुवर्तन्ते, और रक्त का ही अनुसरण करते हैं। सारंगधर कहते हैं रक्तम शरीर सर्व शरीरस्थम जीवस्य आधारम उत्तमम। रक्त जो होता है सर्व शरीर में जीव का उत्तम आधार होता है। तेषाम धातूनाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्तम। सुश्रुत कहते हैं धातु के क्षय वृद्धि का कारण भी रक्त ही होता है। रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवयति च। रक्त जो कार्य करते हैं उसमें एक है वर्ण प्रसाद, हमारा वर्ण व्यक्त करना, काला रंग सावला रंग और जो गोरा रंग होता है गेहूं जैसा या सफेद दूध जैसा गोरापन अलग अलग होता है, ये चारों वर्ण की अभिव्यक्ति रक्त धातु की वजह से होती है। रक्त धातु मांस धातु का पोषण भी करता है और जीवन भी करता है। रक्तमोक्षण चिकित्सा करते समय सुश्रुत ये कहते हैं कि हमें रक्तमोक्षण में रक्त बाहर निकालना होता है। तो देहस्य रुधिरम मूलम, ये शरीर का मूल जो है रुधिरे नैव धार्यते। रुधिर यानी रक्त होता है और वही शरीर का धारण करता है। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तस्मात यत्नेन रक्षेन, इस रक्त की हमें रक्षा करना चाहिए। क्यों, रक्तम जीव इति स्थिति। आमतौर पर आप रोड पर देखते हैं एक्सीडेंट होने के बाद जब बहुत बड़ा हिमरेज होता है, एक्सटेंसिव हिमरेज, और पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, तो एक्सीडेंट में जो मृत्यु हो जाते हैं वो हिमरेज की वजह से ही होता है। हमारे शरीर से ब्लड अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल गया तो तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसलिए सुश्रुत कहते हैं रक्तम जीव इति स्थिति, तो इसको भी याद रखना चाहिए। वाग्भट कहते हैं उसका जीवन कार्य है। इस तरह से हम देखेंगे तो रक्त धातु के कर्म जो होते हैं, नंबर एक जीवन, नंबर दो मांस धातु का पोषण, नंबर तीन उपधातु और सिरा और कंडरा का पोषण, नंबर चार रक्तमल पित्त का पोषण, नंबर पाँच सूक्ष्ममल क्लेद का पोषण, नंबर छः बल, नंबर सात वर्ण प्रसाद, नंबर आठ सुख और नंबर नौ आयुष्य को बढ़ाना। इतने कार्य रक्त धातु के माध्यम से हमारे शरीर में होते हैं। सारता के बारे में हमने देखा कि शरीर में जब कोई भी धातु बहुत अच्छा तैयार हो जाता है तो उस धातु की सारता उस शरीर में है, ऐसा कहते हैं। जब हम सारता का जांच करते हैं, उत्तम सारता, मध्यम सारता, हीन सारता, ये तीन प्रकार में से एक प्रकार की सारता हर व्यक्ति में मिलती है। जब आप रक्त धातु सारता का परीक्षण करेंगे तो रक्त धातु की सारता उत्तम है, रक्त धातु की सारता मध्यम है, या रक्त धातु की सारता हीन है, ये आप देखेंगे। तो जो उत्तम रक्तसार पुरुष होता है वो कैसा होता है,
चरक कहते हैं कर्णाक्षी मुख जिह्वा नासोष्ट पाणिपादतल नख ललाट मेहनम स्निग्धम रक्तवर्णम श्रीमद्ब्राजिष्णु रक्तसाराणाम सा सारता सुखम उद्धता मेधा मनस्वित्वम सौकुमार्यम अनतिबलम क्लेशा सहिष्णुत्वम उष्णा सहिष्णुत्वम चाचष्टे। रक्तसार पुरुष के कान, नेत्र, मुख, जिह्वा, नासिका, ओष्ठ, हाथों की हथेली, पैरों के तलवे, नाखून, ललाट और मूत्रेंद्रिय जो होते हैं उसमें चार चीजें आप देखेंगे। नंबर एक, वो स्निग्ध होते हैं। नंबर दो, वो रक्तवर्ण के होते हैं। नंबर तीन, वो शोभायुक्त होते हैं। और नंबर चार, उज्ज्वल होते हैं। स्निग्धम रक्तवर्णम, श्रीमद यानी शोभायुक्त, ब्राजिष्णु उज्ज्वल होते हैं। ये जो जिस व्यक्ति के शरीर में उत्तम रक्तसरता होती है वो सुखी होता है, वो उदग्र होता है यानी उल्टा बोलना, उसको ईगो होती है, वो सामने वाले को हार्ट कर देता है। मेधा, उसकी धारणा शक्ति बहुत अच्छी होती है। मनस्विता, वो मानी होता है, वो उम्मीद करता है कि मेरा सम्मान रखा जाए। वो सुकुमारता प्रदान कर होता है, सुकुमार यानी बहुत नाजुक होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको सहन नहीं होती। इन व्यक्तियों में इसलिए बल नहीं ज़्यादा बहुत होता है। वो क्लेद और उष्णता के प्रति असहनशील होते हैं, किसी प्रकार का क्लेश यानी तकलीफ होने वाली होती है तो वो टालने की कोशिश करता है, उष्णता को वो टालने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके प्रति बल उसके शरीर में नहीं होता है। और रक्त धातु के आश्रय में आगे चल के देखेंगे पित्त दोष रहता है। पित्त दोष का व्यक्ति उष्ण गुण के कारण उष्णा सहिष्णुता होती है और क्लेशा सहिष्णुता भी उसमें होती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय ऑफ रक्त, परुषा स्फुटिता मलाना त्वग रुक्षा रक्त संक्षय, चरक सूत्र साल 1765, शुश्रु सूत्र साल 1709, शोणित क्षय त्वक पारुषम अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्यम च। यहाँ पर शुश्रु संहिता 15 होना चाहिए, एक करेक्शन आप कर लेना। वाग्भट सूत्र स्थान 11वां अध्याय जो दोषादि विज्ञानीय नाम से जाना जाता है, रक्त अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता, यह सब रक्त क्षय के लक्षण होते हैं। तो रक्त क्षय में क्या होता है, परुषा यानी त्वचा खुरदरी होती है, स्फुटिता यानी त्वचा फट जाती है, मलाना चेहरा सूख जाता है, त्वग रुक्षा रक्त संशय त्वचा पर भी ड्राइनेस डेवलप होती है, त्वग पारुष्य उसका मतलब यही होता है त्वचा खुरदरी हो जाना। रुक्ष और परुष ये दो अलग अलग गुण हैं। जब रुक्षता बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसी को परुषता कहते हैं, और इसे वाग्भट ने खर गुण माना है। तो खर और पारुष ये दोनों का एक ही मतलब होता है और दोनों इसमें रुक्षता बढ़ जाती है। अम्ल प्रार्थना, खट्टे पदार्थ खाने की इच्छा होती है, शीत प्रार्थना, ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा होती है। सिरा शैथिल्य, सिरा उपधातु है रक्त धातु का, उसमें ढीलापन शरीर के ऊपर आप सिरा देखेंगे तो ढीली हो गई आप नोट डाउन करेंगे। रुक्षता, शरीर सूख जाता है, ये सब लक्षण जो हैं रक्त क्षय के कारण हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एनीमिया यानी रक्त धातु क्षय, तो इसमें ऐसी स्टडी होनी चाहिए, कुछ प्रमाण में हो भी गई है कि रक्त क्षय यानी एनीमिक जिनका हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी काउंट कम है, उन लोगों में इसमें से कौन से लक्षण मिलते हैं। अभी रक्त वृद्धि, रक्तम रक्तांग कांक्षिता सिरा पूर्णम त्वम चापा दयती, सुश्रुत कहते हैं, भागवत कहते हैं, रक्तम विसर्प प्रिय विद्रदी पुष्ट वाताश्र पित्ताश्र गुल्मोपकुश कामला व्यंगाग्नि नाश सम्मोह रक्तत्वक नेत्र मूत्रता। इसमें बहुत सारी व्याधियों के नाम आ गए हैं, एक एक शब्द के बारे में थोड़ा जानते हैं। रक्त धातु में वृद्धि में निम्नलिखित लक्षण मिलते हैं, रक्तांकांक्षिता रक्त के समान पदार्थ खाने की इच्छा हो जाती है, सिरा पूर्णत्वम जैसा रक्त क्षय में सिराएं ढीली हो जाती है उस तरह सिरा शैथिल्य हो जाता है, तो यहाँ सिरा पूर्णत्वम होता है, ये उपधातु है, सिरा पूर्ण रूप से बढ़ जाना। यहाँ हम सिरा का मतलब ब्लड वेसल सीधा सीधा अर्थ निकाल सकते हैं। विसर्प एक व्याधि है, स्किन डिसीज है, शरीर के ऊपर एक फैलने वाला व्याधि है, उसमें वैवर्ण यानी कलर चेंज हो जाता है स्किन का। प्लीहा, इसको मॉडर्न ने स्प्लीनोमेगेली कहा है, उसमें प्लीहा का बढ़ जाना हम लोग देखते हैं। विद्रदी,
शरीर में एक तरह से गांठ हो जाना, उस गांठ के अंदर पाक होता है, इसको विदरधि कहते हैं। कुष्ठ एक व्याधि है, उसको आप त्वचा विकार के रूप में जान सकते हो। कोई भी स्किन डिसीज हो तो उसमें कलर चेंज होता है, स्किन का लोकल होता है या पूरी बॉडी में कलर चेंज होता है, उसमें इचिंग होती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो वृद्ध रक्त के कारण होती है। वाताश्र यानी ये एक व्याधि है, उसको वात रक्त ऐसे कहते हैं। हाथ के अंगूठे में या पैर के अंगूठे में सूजन आ जाती है और शरीर में यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है, इस तरह का ये व्याधि है, तो ये रक्त वृद्धि में आप लोग देखते हो। पित्ताश्र ये भी एक व्याधि है, उसको रक्तपित्त होते हैं, आप इसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम पर कह सकते हो। गुल्म यानी पेट में एक तरह से गोला बढ़ जाना या इंटेस्टिनल कोलिक, रुक रुक के उधर शुल होना, पेट में दर्द होना, उसको कहते हैं गुल्म। उपकोष यानी दांतों के जो गम होते हैं उसमें से खून की प्रवृत्ति, उसमें सूजन आ जाती है, ये रक्त वृद्धि में होता है। कामला यानी जॉन्डिस हम लोगों ने देखा था, जिसमें बिलिरुबिन का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो तीन प्रकार का होता है। हिमोलाइटिक जॉन्डिस है या प्री हेपैटिक जॉन्डिस, नंबर दो हेपैटिक जॉन्डिस, नंबर तीन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हेपैटिक जॉन्डिस। व्यंग्य यानी त्वचा पर तील मशक का बढ़ जाना। अग्निनाश यानी अग्निमंद हो जाना। सम्मोह यानी बार बार बीच बीच में बेहोश हो जाना। रक्तत्वक यानी त्वचा पर रक्त का आना। रक्त नेत्र यानी नेत्र में रक्त भर जाना, आंखें लाल हो जाती हैं। रक्त मूत्रता, मूत्र में रक्त का आ जाना, इसको हिमैचुरिया भी कहा जाता है, जो मूत्र के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखी जाती है। अभी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ रक्त एंड पित्त धातु, इसको आश्रयश्री भाव कहते हैं। वाग्भट कहते हैं कि तत्रासिनी शीतो वायु पित्तम तु स्वेद रक्त श्लेष्मा शेषेशु। इसका तत्रासिनी अस्थि धातु में स्थितो वायु, वायु रहता है, पित्तम तु स्वेद रक्तयो, पित्त जो होता है वो स्वेद और रक्त धातु में रहता है, और बचे हुए से पूरे शरीर भाव में कफदोष रहता है, श्लेष्मा शेषेशु। इस सूत्र के अनुसार रक्त धातु में पित्त दोष आश्रय के रूप में मिलता है, इसलिए रक्त धातु और पित्त दोष इनके बहुत सारे गुण ये समान हो जाते हैं हमारे शरीर में। कफदोष और रस धातु के गुण समान होते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि रक्त धातु में पित्त दोष आश्रय के रूप में रहता है। अभी रक्त धातु के उपधातु कौन कौन से है ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो रक्त धातु के सिरा और कंडरा ये उपधातु होते हैं, इस चीज को हमें याद रखना चाहिए। आप मालूम है कि 700 सिराएं होती है, 16 कंडरा होती है। जो 700 सिराएं होती है वो वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, चार प्रकार की सिराएं होती है। वातवाही सिरा को अरुणा, पित्तवह सिरा को नीला, कफ सिरा को गौरी और रक्तवाही सिरा को रोहिणी कहा जाता है। इसके साथ शरीर में 16 कंडराएं भी होती है, उपधातु की पढ़ाई करते वक्त ये हम जरूर देखेंगे। अभी रक्त धातु के मल कौन कौन से होते हैं, तो रक्त धातु का मल रक्तमल पित्त हो जाता है। जैसा आपने जाना था कि रस धातु का मल रसमल कफ है, रक्त धातु का मल रक्तमल पित्त है, तो रसमल कफ और रक्तमल पित्त जो है वही दोष पित्त और कफ है, ऐसे सब कुछ लोग मानते हैं। रस और रक्त ये दो धातु ऐसे धातु है 7 धातु में से, वो सर्व शरीर में भ्रमणशील रहते हैं, सर्व शरीर में संचरित होते रहते हैं। रस धातु प्रीणन के लिए और रक्त धातु जीवन के लिए पूर्ण शरीर में संचार करती है, तो पूर्ण शरीर में संचार करने वाले इन दो धातुओं के जो मल है वो दोष बनकर कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो वो कफ और पित्त है, ऐसी बहुत सारे लोगों का मानना है। जाने से पहले कुछ और चीजें, रक्त धातु की विशेषता क्या क्या होती है। तो जीवन कार्य करने वाला अकेला रक्त धातु है, रक्त वर्णात्मक धातु अकेला रक्त धातु है। मृत्यु रक्त धातु के क्षय से निश्चित तौर पे हो जाती है, कई पेशेंट देखे जाते हैं कि हिमरेज के कारण मृत्यु हो गई है, उनका हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट देखा जाए तो बहुत कम हो गया है, तो ये रक्त धातु के लिए पॉसिबल है।
अगली इम्पोर्टेंट चीज है कि रक्त मोक्षणीय चिकित्सा जो है वो रक्त धातु के लिए कही गई है, क्योंकि रक्त और दुष्ट रक्त दो प्रकार होते हैं। शुद्ध रक्त का स्वरूप हमने देखा कि वो इंद्रगोप कीड़े की तरह होता है, सुवर्ण की तरह होता है। तो अगर ये दुष्ट हो जाए तो उसको वात भी दुष्ट करता है, पित्त भी दुष्ट करता है, कफ भी दुष्ट करता है। ये तीनों दोष अलग अलग जब उसे दुष्ट करते हैं तो रक्त धातु में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसका वर्णन भी हमें किया गया है। और जब रक्त धातु दूषित हो जाता है तो उसका रक्त मोक्षण चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रकार हमें कहते हैं। ये रक्त धातु की अगली विशेषता। और एक विशेषता रक्त धातु की है कि रक्त धातु यह इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसा हमारे शास्त्रकार मानते हैं कि रक्त को चौथा दोष है क्या, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। तो रक्त धातु को दोष मान भी सकते हैं, उसके फेवर में बहुत सारे पॉइंट है, और रक्त धातु दोष नहीं है ये भी मान सकते हैं, उसके फेवर में भी बहुत सारे पॉइंट है। तो ये दोनों साइड के बहुत सारे रेफरेंसेस हमें ग्रंथ में मिलते हैं। फिलहाल रक्त धातु दोष इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन रक्त धातु ही है। तो रक्त धातु की ये पूरी जानकारी हम लोग याद रखें। इस संदर्भ में जो भी श्लोक बताए हैं वो पूरे श्लोक हम सब लोग याद करेंगे कि हमें बगैर देखे वो बताने आना चाहिए। इतना मैं कहता हूँ आप सबको। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।